एक छोटे से फ्लैट में अखिलेश कश्यप रहता था जब मेरा हंगा लखनऊ गाना आया था, और उसके बाद ये 3 साल में आज एक राइटर भोजपुरी में फॉर्चुनर से चलता और 1 करोड़ से ऊपर का घर बनाया। तो सर ये पटना जाएगा तो 200 फॉर्चुनर रिसीव करने तो आएगी ना। तो मैं आपका कल आजीवन निभाऊंगा और आजीवन आपके साथ काम करूंगा। हमारे लिए, हमारे माँ बाप के बाद अगर हमारे लिए सर्वोपरि कोई है तो हमारे लिए भैया है। और भोजपुरी के नीचा करके अगर 2 रोटी मिले तो उस रोटी को मत खाए। इतना कंपनी को है तो चलाई थोड़ी दौड़ा दी। मुझे भी कुछ मिला नहीं था। मैं आज भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि साहब अपनी गरीबी की प्रचार करते हैं। नहीं, मैं अपनी गरीबी का प्रचार नहीं करता। मैं अपनी गरीबी बताता इसलिए हूँ ताकि आप भी उस जगह पे हो, आप भी खेसारी बन सकते हो। बनने के लिए कुछ मत करना, करते जाओ बनते जाओगे। मैंने यही किया था, मैं करते गया और बनते गया। गाली भी दीजिए तो तैयारी के साथ दीजिए। हम भी कभी कभी इनके बारे में गलत बोल जाते हैं। एक राइटर को मंच पे लोग बुला के पहचान देने लगे तो भैया कहीं के बोल। आज तक हमने कभी भैया के सामने बोला नहीं है, हमने इंटरव्यू में बोला है, लेकिन देखा कि बहुत लोग बोलने लगे तो हम भी अपना बता देते हैं कि आपने अपने राइटरों के लिए क्या किया है। तो हमारा वही है, वो 180 अपाची रहे, अपाची पर घूमत रही। हमारे लिए आशा थी महीने के बाद भैया वही में चाली रहे। बिक गई थी जब हमारा बाबू होने वाला था, मेरा लहंगा लखनऊ गाना आया खेसारी भैया का था। और उस दिन से आज तक हमको लगता था कि हम 3000 के फ्लैट में रहते थे। 3000 जो मुझे नजदीकी से जानते होंगे, जितने भी सिंगर हैं, जितने भी भोजपुरी के लोग हैं, वो सारे लोग मुझे जानते होंगे। तो एक छोटे से फ्लैट में अखिलेश कश्यप रहता था जब मेरा लहंगा लखनऊ गाना आया था, और उसके बाद ये 3 साल में आज एक राइटर भोजपुरी में फॉर्चुनर से चलता और 1 करोड़ से ऊपर का घर बनाया। तो हमारा अपने जिंदगी में ये नहीं बताया कि एगो सुपर स्टार हम नहीं खतिका के लिए। हमारे लिए, हमारे माँ बाप के बाद अगर हमारे लिए सर्वोपरि कोई है तो हमारे लिए भैया है। आज सब लोगों के सामने बोल रहे हैं क्योंकि राइटर की वजूद क्या होती है, और एक राइटर को मंच पे लोग बुला के पहचान देने लगे तो भैया का ही देखो। शुरू से ही राइटरों को बताते थे कि ये हमारे राइटर, और आज इनके सर जितने भी राइटर हम लोग हैं सब लोग का अपना अपना वजूद है। तो एक राइटर को मंच पे बुला के सब लोग आज भोजपुरी में आपकी वजह से सम्मान देने लगा भैया। तो मुझे इस बात का भी खुशी हुआ कि एक राइटरों का भी वजूद बना दिए आपने, कि आपके वजह से आपको देख के ही सही सारे राइटरों को लोग मंच पे आज बुला के तो बोल रहे हैं कि हमारे राइटर है, और राइटर भी बोल रहे हैं कि हमारे भैया है। तो एक दिन से जो हमारी जो निकलेगी, ये जितनी भी बातें हैं वो हमने सच बोला है। और कोई कोई लोग होते हैं कि जो बनावटी भी बोल देते हैं। तो जो मुझे बक्सर जिला के होंगे, जो मुझे नजदीक से जानते होंगे, तो सारे लोगों को पता है कि अखिलेश कश्यप की औकात क्या थी और आज एक राइटर के लेवल में कहाँ है। तो मैं आपका कल आजीवन निभाऊंगा और आजीवन आपके साथ काम करूंगा, और ऐसे ही आप जितने अपने लोगों का ख्याल रखते हैं आजीवन रखते रहिए। थैंक यू सो मच भैया। जिंदगी में एक चीज हमेशा, जितने लोग यहाँ आए हैं, जो भी कलाकार बंधु हैं, हमारे यूट्यूबर भाई हैं, मीडिया कर्मी, चाहे जो भी है, जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मुझे भी कुछ मिला नहीं था। मैं आज भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि सारी अपनी गरीबी की प्रचार करते हैं। नहीं, मैं अपनी गरीबी का प्रचार नहीं करता। मैं अपनी गरीबी बताता इसलिए हूँ ताकि आप भी उस जगह पे हो, आप भी खेसारी बन सकते हो। बस हिम्मत मत हारना, और कुछ बनने के लिए कुछ मत करना, करते जाओ बनते जाओगे। मैंने यही किया था, मैं करते गया और बनते गया। और कोई प्लेटफॉर्म छोटा नहीं होता है। आज छोटे छोटे मेरे यूट्यूबर भाई जितने हैं, कभी कभी लोग गलत बोल जाते हैं, हम भी कभी कभी इनके बारे में गलत बोल जाते हैं, लेकिन आज ये छोटे हैं जरूर, लेकिन किसी दिन इनकी औकात इतनी बड़ी हो जाएगी कि शायद आज तक भी इनके पीछे हो जाएगा। आप अपने आप को छोटा मत बनाइए, आप कोशिश करते रहिए। हाँ, बस अगते आप अपने शब्दों को ऐसे रखिए जैसे अखिलेश बाबा बोले मेरी औकात नहीं थी, लेकिन आपने कोशिश किया तो बनाया ना। और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी राइटर हैं सबके पास अपना चढ़ने का गाड़ी और अपना रहने का फ्लैट और अपना रहने का मकान कोई ऐसा नहीं है जो पलानी में रहता है, जो मेरे साथ वर्क किया। तो जिंदगी में जब हमारे साथ रहने वाले ही बड़े नहीं होंगे तो हम कहां से बड़े होंगे। तो हमें सबसे पहले अपनों को बड़ा करना है, जो हमारे साथ हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए मरते हैं।
अब कल चल के इनके पास 10 फॉर्च्यूनर हो जाएगी, तो खेसरिये पटना जाएगा तो 10 फॉर्च्यूनर रिसीव करने तो आएगी ना, वो किसकी हुई तो मेरी ही हुई है ना, क्योंकि मेरे काम आ रही है। जब मैं शो में जाता हूँ तो 40-40 गाड़ियां साथ में रोकना पड़ता है कि मत आइए भैया, तो वो किसके हैं, वो मेरे हैं। चढ़ जरूर रहे हैं, नाम इनका है, बट खेसारी लाल के लिए दिनों रात आप लोग जगते हो, जितने भी मुझे मेरे बारे में जो बनाते हैं, मेरे बारे में निगेटिव चीजें बोलते हैं, उनका भी मेहनत है, वो भी बेचारे जग के लाइट लगा के व्यवस्था करके कहीं ना कहीं खेसारी को गाड़ी देने के लिए इतना सजाते तो है, अपने रूम को सजाते हैं कि खेसारी को एकदम भर गाना है। तो आपकी किसी को गाली देने की भी तैयारी करनी पड़ती है, तभी आप दुनिया को बता देते हैं कि आप गाली भी दे रहे हैं तो तैयारी के साथ। तो आप किसी को गाली भी दीजिए तो तैयारी के साथ दीजिए। तो जिंदगी में कोई भी हो, आप कोशिश करिए कि आपके शब्दों से और भोजपुरी के नीचा करके अगर दो रोटी मिले तो उस रोटी को मत खाइए, क्योंकि आप अपने भाषा को गंदा कर रहे हैं। तो कोशिश हमें यही करना है, चाहे वो मेरे बड़े भाई कोमल सिंह हो, चाहे वो खेसारी हो, या नवि किशन जी हो, या मनोज भैया हो, या दिनेश भैया हो, चाहे अदरवाइज कोई भी, हर कलाकार को हमें सम्मान देना है, क्योंकि आपकी धरोहर है वो लोग। अगर ये खेसारी नहीं होता तो आप किसी बारे में बोलोगे? कुछ लोग बोलते हैं कि एक हीरोइन के साथ काम करते हो, भाई जब लड़कियां फांसी लगा लेती है ना तो सबके सब ये बोलते हैं कि होनहार लड़की थी, और डिप्रेशन में आके कोई फांसी लगा लेगा तो कहोगे होनहार थी, और जब उसके साथ काम आदमी करने लगता है तो लोग बोलते हो कि ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। किसी को बुरा मत बोलिए, आप कोशिश करिए कि सबको सम्मान दें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आज वो लड़की छोटी है लेकिन कल बड़ी हो सकती है, लेकिन हम लोग सहयोग और सपोर्ट करेंगे तभी तो कोई बड़ा होगा। तो अगर हम आगे हैं, आपको 10 लोग जानते हैं, तो अपने 10 लोगों को कम से कम उस इंसान को जना दीजिए कि वो प्यारा है, खूबसूरत है, तभी आप बड़े बन पाएंगे। तो विचार को बड़ा रखिए, अपनी सोच को बड़ा रखिए, दुनिया में आपको बड़ा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो लव यू ऑल, थैंक यू जो मुझे प्यार करते हैं, उनको भी दिल से थैंक यू, और जो मुझे भैया, और आपके टीम के एक मेंबर का चैनल है, तो हम चाहते हैं हम लोग टीम में जितने लोग काम करते हैं उन लोग को एक बार बुला दे, मान पंकज भैया, संजय भैया, नितेश बाबू, अनुज जी और सतीश, इंदर भैया, हैप्पी सिंह और विक्की भैया, आप लोग आ जाइए। अब इतना सभी लोग इतना भी है कंपनी में तेरे चलाई थोड़ी दौड़ा दी, आज ही आप लोग जा जाइए, आइए सब लोग, अरे बाप, ये विक्की जी हमारे हैं, ये यूट्यूब के किंग है, देखिए इंदर भैया जो आपके सारथी हैं वो भी आ जाइए, पायलट जी, संजय भैया, सतीश जी,